Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about a very important and a short topic that is stages of anesthesia. So before moving further, do like this video and subscribe to my YouTube channel and share it with your friends and hit the bell notification icon so that you will get notified whenever I will upload a video. So let's start the video. So basically, who gave these stages of anesthesia? It was given by the... गुडल ओके सो साइंटिस्ट का नेम है वेरी इजी टू रिमेंबर गुडिल सो विद द ड्रग ईथर कौन से ड्रग के साथ दी थी ईथर तो ईथर जब उसने किसी पेशेंट को दिया था तो उसके बाद जो जो स्टेजेस हुई थी उसके सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके फिर ये स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया गुडेल ने डेवलप करी थी राइट सो हमारे पास मेनली फोर स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में देखने को मिलती है फर्स्ट स्टेज ऑफ एनएलजेसिया सेकेंड स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट थर्ड स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड लास्ट इज स्टेज ऑफ डेंजर ओके सो वी आर गोइंग टू क्विक क्विकली रिमेंबर दैट एनर्जिसल एनेस्थीसिया एंड डेंजर ओके सो दे सो ऑल दी स्टेजेस टेक ओनली टू टू थ्री मिनट ये नहीं है एक स्टेज को दस मिनट लग रहे हैं पंद्रह मिनट लग रहे हैं ऐसे नहीं दो से तीन मिनट में आप स्टेज ऑफ डेंजर पर भी पहुंच जाओगे तो इतनी क्विक ही हमारी स्टेजेस होती है एनेस्थीसिया की So, एक एक करके हम स्टेजेस देख लेते हैं सबसे पहली स्टेज है हमारे पास दैट इज स्टेज ऑफ एनलजेसिया तो एज वी नो दैट एनएलिया हाउ रिडक्शन इन अवर पेन और पेन रिडक्शन सो फ्रॉम एनलजेसिया टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहां से कहां तक ये स्टेज एग्जिस्ट करती है फ्रॉम एनलजेसिया मतलब थोड़ा आपका पेन रिडक्शन होगा टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जब तक आपकी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हो जाती तब तक ऑल्सो एज इंडक्शन स्टेज इंडक्शन स्टेज क्यों क्योंकि यहां पे स्टार्ट हो रहा है

आ, में जो भी आपको करना है लेप्रिटमी कुछ भी आपने कर दिया सीधा ऐसे नहीं होना चाहिए ये क्या है स्टेज ऑफ एनल जैसी है पेशेंट स्टिल कॉन्शियसनेस में है और अभी पेन वो फील कर सकता है ठीक है

जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं और जो आईलैश का रिफ्लेक्स है ये आईलैशेज होती है इसका जो रिफ्लेक्स है वो धीरे 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 डाउन होने लगता है मतलब आंखें बंद होने लगती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है फर्स्ट रिफ्लेक्स टू बी डिमिनिश सबसे पहला एनेस्थीसिया हिट करते कौन सा रिफ्लेक्स हमारा डिमिनिश यानी कि कम होता है एंड दैट इज आवर आईलैश रिफ्लेक्स ठीक है बिकॉज दीज सिम्टम्स कैन बी डेंजरस ये क्योंकि प्यूपल डायलिट हो रहा है आईलिश रिफ्लेक्स डिमिनिश हो रही है इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट विल हिट तो एनेस्थिसोलॉजिस्ट है वो एडमिनिस्टर करते हैं प्रिलिमिनरी ड्रग्स मतलब पहले ही इस इन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए ड्रग्स पहले ही पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले ही हम दे देते ठीक है देन केम्स अवर थर्ड स्टेज दैट इज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया इन दिस सर्जन कैन परफॉर्म द सर्जरी तो नाम से पता लग रहा है सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज है तो मतलब इस स्टेज पर जो है वो सर्जरीज दी जाती है या करी जाती है ठीक है ये आगे फोर प्लेन में डिवाइड होता है प्लेन वन प्लेन टू प्लेन थ्री एंड प्लेन फोर If we talk about the plain one, from rhythm, Rhythm respiration respiration to to cessation cessation of of eye movements. Rhythm respiration to cessation of eye movement कहाँ से कहाँ तक जब तक आपकी आंखों की बिल्कुल जो movements हैं वो कम नहीं हो जाती ठीक है बिल्कुल ही बंद नहीं हो जाती क्योंकि वर्ड यहाँ पे use हुआ कंजक्टिवल फेरिंजियल एंड स्किन रिफ्लेक्स डिमिनिश का, आई का, मतलब का और स्किन का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे धीरे 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 डिमिनिश होने लग जाते हैं तो एक किसमेंता है हमारा प्लेन वन में फेरिंजल तो रिफ्लेक्स कब डिमिनिश होता है तो हमें पता है प्लेन वन ऑफ स्टेज थ्री ऑफ एनेस्थीसिया फिर आता है प्लेन टू फ्रॉम सिसेशन ऑफ आई मूवमेंट अब आई मूवमेंट तो सीसेट हो गई तब से लेकर रेस्पिरेटरी पैरासस वॉट इज पैरसिस बिल्कुल ही डल स्टेज चली जानी वीक हो जाना ठीक है तो आई मूवमेंट से सेट होने से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा वीकनेस है वहां तक हमारा प्लेन टू होता है और इसमें जो कॉर्निया का रिफ्लेक्स है हमारा वो डिमिनिश होता है आई का कॉर्निया का रिफ्लेक्स डिमिनिश होता है

ठीक है कैरिनल रिफ्लेक्स जो हमारा करीना होता है जहां पे हमारा जो ट्रेकिया है वो हमारा ब्रोंकाई में डिवाइड होता है वो डिमिनिश हो जाता है और ये हमारा लास्ट रिफ्लेक्स होता है क्योंकि इसके बाद हमारा कोई रिफ्लेक्स डिमिनिश नहीं होता है तो फर्स्ट रिफ्लेक्स टू बी डिमिनिश इज आवर आईलैश रिफ्लेक्स जो कि हमने यहां पे पढ़ा था यस आईलैश रिफ्लेक्स एंड देन लास्ट वन टू डिमिनिश इज आवर करीनल रिफ्लेक्स ओके देन केम स्टेज ऑफ डेंजर ये तो नाम से ही पता लग रहा है खतरे की घंटी बज रही है तो इन दिस स्टेज पेशेंट हैज रिसीव्ड एक्सेस डोज ऑफ मेडिकेशन ये तभी स्टेज आती है अगर एन एस टी सी आपने ज्यादा दे दी है अदरवाइज स्टेज थ्री पर ही वो स्टेबल रहता है दिस सप्रेस द एक्टिविटी इन मेड्यूला और ब्रेन स्टेम मेड्यूला या ब्रेन स्टेम में जब आप एक्सेस मेडिकेशन देते हो वो उनको अब ब्रेन तक नमनेस होने लग गई है और पेशेंट का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाएगा मेड्यूलरी की जो मेड्यूला की पैरालिस हुई है उसकी उससे एपनिया बिल्कुल ही टोटल ब्रेथलेसनेस हो जाएगी तो तब क्या है ये स्टेज ऑफ डेंजर कहलाता है तो ये स्टेज ना आई मेक श्योर ऑफ दैट सो दिस इज वॉट अबाउट टूडेज वीडियो सो एक और चीज इसमें हम ध्यान रखेंगे हमारा जो फर्स्ट रिफ्लेक्स था डिमिनिश होने वाला वो था हमारा आईलैश रिफ्लेक्स ओके और जो हमारा लास्ट था वो था हमारा कैराइनल रिफ्लेक्स कैरिनल रिफ्लेक्स है ना तो अब जो सबसे पहले रिटर्न होगा पेशेंट जब रिकवर करेगा एनेस्थीसिया से सबसे पहले कौन सा आएगा कैरिनल सो फर्स्ट रिफ्लेक्स टू कम इज कैराइनल एंड देन लास्ट इज टू आईलैश रिफ्लेक्स इसमें ऑपोजिट वाइस वर्सा चलता है फर्स्ट टू गो आई लैश लास्ट टू गो केम केम इज आई लैश रिफ्लेक्स ओके सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो होप आपको समझ आ गई हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड डू सजेस्ट मी न्यू वीडियोज फॉर द टॉपिक्स सी यून द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय